हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क में जो आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी है तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें है कि आपकी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो और उस डेट को आप पास हो जाना चाहिए, जैसे 1 अगस्त को आप तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जब तक आप लास्ट डेट अप्लाई करने की जब तक आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली आपका जो कंप्यूटर वाला, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। आपसे जो है कंप्यूटर चलाना ज़रूर आना चाहिए। उसका प्रूफ में आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रिपल सी हो गया, ए लेवल हो गया, बी लेवल हो गया, जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा है या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने बेसिक पढ़ रखा है, या इसकी आपको जो है कंप्यूटर की जो चलाने की नॉलेज है, या फिर आपने हाई स्कूल या फिर या कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, हाई स्कूल में, इंटर में या ग्रेजुएशन में, अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर में पढ़ रखा है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही वो सेक्शन वहाँ पर आएगा कि आप वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप उस पर यस करेंगे तो उसमें आपको फिल करना होगा कि हमने एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है, स्टडीड एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, या सर्टिफिकेट है हमारे पास, या हमारे पास ट्रिपल सी, जो भी कुछ है उसकी डिटेल्स वहाँ पर हमको डालनी होगी। तो आपको ये कंप्यूटर वाली जो नॉलेज है वर्किंग वाली, वो मैंने आपको आपको बता दिया है। दूसरा, इसमें अब डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स स्कैन के बारे में जो है ना, जैसे हमारा जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हमको क्या लिखना है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, ठीक, और आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका, कोई भी इंक यूज़ कर सकते हैं, थंब में आप ब्लैक या ब्लू जो भी आपको करना है, और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आप उसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से उसको लिखना है, और आपको सिग्नेचर आपका कैपिटल में नहीं होना चाहिए, और जो थंब का इंप्रेशन है वो आपका प्रॉपरली दिखना चाहिए, ठीक। और इसमें और सिग्नेचर आपको कैपिटल में नहीं करनी है, और आपको अपनी ही राइटिंग में ये लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये 4th नंबर पर, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। आई, आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर नेम आ जाएगा जो भी आपका नाम है, आई आपका नेम, फिर आएगा हियर वाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड वाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको ये यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो कंप्यूटर की जो आपको मैंने बता दिया, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। आपको कोई गलती एग्ज़ाम के फॉर्म में नहीं करनी है, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है वो भी अच्छे से देख लें, जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है वहाँ का आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए, उसको पढ़ना लिखना और उसको बोलना। तो ये सब चीज़ें हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।